हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में खास क्या है, हर बार तो कुछ ना कुछ खास सिखाता ही हूँ, आज के भी वीडियो में कुछ खास है। देखिए क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अब मैं अगर ये कहूँ कि आप मुझे डेट, मंथ और ईयर तीनों अलग अलग सेल में दे दीजिए निकाल करके, तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, ये डेट हो गया, ठीक है, और ऊपर यहाँ हेडिंग दे देंगे डेट, तो फिर तो काफी टाइम लगेगा डेट, मंथ और सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करने में। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट, यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ और यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर। तो यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कैसे। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। एक में मंथ, एक में डेट और एक में ईयर निकालेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से कंट्रोल के साथ वन प्रेस करना है और यहाँ पर ये ओपन हो जाता है फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आकर के और यहाँ पे दीजिएगा डीडी, तो डीडी जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिएगा, फिर कंट्रोल वन कीजिएगा और यहाँ पर फिर कस्टम पर आकर के करिएगा यहाँ पर एमएम। क्या करना है, एमएम करना है यानी मंथ करना है, तो एमएम कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए वाई वाई। बस इतना ही आपको, यहाँ से जाइएगा और इसको हटा करके सिर्फ वाई वाई फोर टाइम लिख दीजिएगा और ये हो गया। तो यहाँ देखिए डेट, मंथ और ईयर तीनों ही एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं।